आज हम करेंगे भाई बात रिलेशनशिप्स के बारे में फिर से एज़ यूज़ुअल, क्यों मुझे लगता है कि मैं रिलेशनशिप्स के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान दे सकता हूँ और उससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं दे सकता मेरे से अलावा। अगर आपको रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी पूछना मेरे से पूछो भाई, मेरे को लगता है कि मैं रिलेशनशिप्स आपकी डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता हूँ। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। रिलेशनशिप में आऊँ कैसे? गुड क्वेश्चन। रिलेशनशिप में अगर आपको आना है, यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट फर्स्ट इन योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू प्रटेंड दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन लाइक यू नो, जैसे वो लड़के नहीं होते जो बोलते हैं नहीं भाई मैं मेहनत अपने लिए करता हूँ क्योंकि उनको पटानी होती है, वैसे टाइप की लड़कियाँ जो छोटे कपड़े अपने लिए पहनती हैं, वो वाला सीन। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। उसके कमिटमेंट इशूज़ का क्या करूँ भाई? आप सपोज करो किसी को कमिटमेंट इशूज़ हैं, उसको डर लग रहा है, वो सुबह उठती है और आप होते नहीं हो, हर रोज़ अखबार में आपकी एक नई तस्वीर आती है, ये फरार वो फरार, बेंगलोर में इतने सारे अंडरवेयर गायब और सीसीटीवी में आपकी फ़ोटो वोटो कैद हो रही है एंड एवरीथिंग, तो ऑफकोर्स है भाई इट विल बी वेरी नॉर्मल कि जो आपकी जो सो एंड सो है मिसेज हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, उनको थोड़ा सा डर तो लगेगा। अब अगर किसी को कमिटमेंट इशूज़ है ना, तो पहले ही बता दो भाई अपने लाइफस्टाइल के बारे में कि भाई ये तो था ऑलरेडी। लड़के ना बताऊँ क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लड़कों को लगता है भाई अब तो लड़की जो है ना वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको ना वो ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना, उसको इस अटैच हो जाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं भाई कि लड़की जो है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट है दैट सिग्निफाइज माई पावर, माई सेल्फ इस्टीम, माई सेल्फ रिस्पेक्ट। वो एक औरत जो होती है ना वो एक इम्बॉडीमेंट बन जाती है उस चीज़ की। मत करो, मैं हमेशा दरवाज़ा पूरा खुला रखता हूँ, तो जाना जा जा निकल निकल जा। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भैया मेरी गर्लफ्रेंड प्रीत का बर्थडे है, क्या दूं उसे? इनको ना बड़ी अजीब चीजें पसंद होती हैं भाई, पोयम लिख दी। बेंचो देख, आदमी पूरा का पूरा बैग लेके आ गया भाई, क्रिस्टन डी और इन सब चीजों का। नहीं भाई वो बस पड़ा हुआ है कमरे में, आई फील सो अजीब, ये इतना एक्सपेंसिव। अबे और तेरे को सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा? एक लड़के ने चार लाइनें लिख दी। अबे तू पागल है क्या? औरतें ये गिफ्ट तब एक्सेप्ट करती हैं जब उनको वो वाला गिफ्ट दूसरों को दिखाना होता है। एंगेजमेंट रिंग के टाइम पे होता है भाई, जब आपको सही में लगाने होते हैं पैर। उससे पहले कीप इट सटल, कीप इट वेरी कूल। आइसक्रीम खिला दो भाई, उसे खुश हो जाएगी वो। प्रोमिस रिंग, अबे लंडमेरा दे तुझे प्रोमिस रिंग, हाथ डाल इस उंगली में तो बन गई तू मेरी गर्लफ्रेंड। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई अंडर एज लड़कियों को कैसे पटाऊं? भाई मैं ना तुम्हारे को एक सच बात बताता हूँ, बहुत सच बात बताता हूँ, जितनी भी अंडर एज लड़कियाँ होती हैं ना, ये 16 17 18 भाई ये होती हैं सबसे ज़्यादा क्रैक। इनको तो भाई कभी ज़िंदगी में अपने आसपास के जो लौंडे हैं वो कभी अच्छे नहीं लगेंगे भाई। तो अगर आप 12th में हो, 11th में, और आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरा क्रश है, ये 16, और आप समझ रहे हो कि फीलिंग्स रेसिप्रोकल, लौड़े से नहीं होने वाली भाई। 16, 17 ईयर ओल्ड वेमेन, दे आर समथिंग एल्स, दे उनको तो ऐसा लगता है भाई दुनिया मेरी मुट्ठी में, भाई मैं जो सोचती हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ सब होगा भाई। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई कसम से कह रहा हूँ, एक बारी क्या हुआ था, मेरे ना पापा ने मेरे को बहुत डांटा था एक किसी पार्टी वार्टी से पहले कि तू बहुत गंदा है, ये वो, तू बहुत नॉटी हो गया है ना, ये वो, बहुत बहुत डांट लगाई थी मेरी, और मैं था भाई ईगो में कि ये मेरे पापा हैं ऐसे बात करते हैं मेरे सबसे सामने, है ना, सबके सामने मुझे डांट दिया। तो उन्होंने ना फिर जब गेस्ट वेस्ट सारे बैठे हुए थे, उन्होंने पार्टी वार्टी का माहौल था, पापा ने बोला था अब चलो अब तुम गाते हो ना कुछ गा के सुनाओ। सुबह का है वक्त हाथ में लोटा नहीं, हमें डर है हम कर न जाए यहीं, और भाई वो पूरा का पूरा ऐसा गाना गा दिया और पापा ऐसे देख रहे हैं और सारे लोग। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। सबसे गंदा बताऊं क्या लगता है, तुम बहन जो बाथरूम खोलते हो और वहां पे होता है इंडियन स्टाइल टॉयलेट। भाई पहली चीज तो तुम मुझे ये बताओ, इंडियन स्टाइल, इसमें स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या है इस टॉयलेट में? ये तो बस छेद है, छेद बना दिया है इन्होंने फर्श पे, क्या इसमें कुछ स्टाइल थोड़ी है? स्टाइल तो होता बहन जो भाई, कुछ टाइलें लगती भाई, कुछ तहजीब होती भाई, ये क्या है भाई, इसमें कुछ स्टाइल थोड़ी है। और भाई भाई मैं ना मतलब मैंने बहुत टाइम से हगा नहीं था इंडियन स्टाइल में, अब मेरे को हगना था। मैं ये सोच रहा हूँ बहन चो कौन सी साइड देखना है और कौन सी साइड पे हगना है भाई, मतलब अजीब लग रहा था मुझे, ये कैसा कंटेंट है भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट है।
स्टाइल नहीं प्रोपोगंडा है बिल्कुल भाई, हम तो ऐसे ही हैं। इंडियन टॉयलेट्स भी लाइक हम तो ऐसे ही हैं। अपना तो ऐसा ही है, पर भाई मैं सही बताऊं ना, इंडियन टॉयलेट्स की बनावट जो ऐसी ही है ना कि हम तो ऐसे ही है कि बहनचोद कुछ भी करने के लिए मेहनत लगती है। ट्रेन में भाई सबसे साफ होता है भाई इंडियन टॉयलेट, सबसे साफ, इससे तभी मेरे को अच्छा लगता है भाई इंडियन टॉयलेट, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में अच्छा लगता है भाई। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। योर थॉट्स ऑन योर गर्लफ्रेंड हैविंग अ गाय बेस्टी। देखो पहली चीज तो नेवर एवर लेट अ वुमन नो दैट यू आर लाइक यू नो बॉदर्ड अबाउट सम डूड। फालतू में अगर सपोज करो कि हाँ भाई तुमने देख लिया कि तू एक दिन ऐसी कमरे में घुसा, देयर होल्डिंग हैंड्स, तो तू बोल सकता है भाई ये क्या है भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं, मतलब मेरे को तो अजीब लगेगा ही ना, तो हम लोग कमिटेड ही क्यों है, मैं भी एक लड़की को बेस्ट फ्रेंड बना लेता हूँ, मैं भी हाथ पकड़ के घूमता हूँ, है ना, ये सब कर सकते हो, ये सब पूछना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोलेगी प्लाटोनिक है वटोनिक है, भाई वो तुम्हारी रिलेशनशिप है कि तुम्हारे को कितना प्लाटोनिक तुम्हारे को अच्छा लगता है और तुम्हारे को कितना प्लाटोनिक अच्छा नहीं लगता है। प्लाटोनिक मतलब एक एक्सक्यूज होता है भाई औरतों का। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। ब्रो कांट गेट ओवर माय एक्स बिन 4 months, आई थिंक रीजन इज बिकॉज शी वाज इमोशनली इक्वल विद मी एंड शी इज इन अ बेटर प्लेस। क्या? हाँ भाई ये चीज़ बहुत चुभती है भाई, जब तुम्हारे को लगता है ना कि हाँ भाई मैं इस बंदे के साथ में बहुत इसके साथ मतलब मेरी अच्छी बातचीत थी, एक कनेक्शन था, और फिर आपको जब ये पता चलता है कि शी हैज़ लेफ्ट यू, ठीक है, बट सही में दुखता तब है जब आपको पता चलता है कि हाँ मे बी शी इज़ इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको ये लगता है बहनचोद मैं कितना चूतिया था भाई। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई कपल्स को देख के जेलस फील होता है, एनी टिप्स टू फील गुड? भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरी ना आज तक कभी भप्पा को देख के जली नहीं है भाई, आज तक, बट भाई जब मैं देखता हूँ ना कि भाई ये बंदा एक लविंग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में है, भाई मेरा ना बहुत मन करता है इनकी मैं तोड़वा दूँ बहुत, तो मैं अग्री तो करता हूँ भाई कि दुखता है भाई, दुखता है, बट भाई उस पॉइंट पे ना आके तुम ये वाली बकचोदी मत करना जो मैं करता हूँ। मैं ऐसे देख लेता हूँ, 4 लोगों को देख लिया, भाई ये भी रिलेशनशिप में आ गया, वो भी रिलेशन, फिर औरतों वाली हरकत, मेरी सारी दोस्तों की शादी हो रही है, अरेंज मैरिज करा दो मम्मी, ये मत किया करो भाई। आपको पहले तो अग्री करना होगा कि भाई ऐसे टाइम आएंगे आप हो अकेले, सारे लोग काट रहे हैं मौज, आपको बिना जोश में आके स्थिर मन में आपको रिलेशनशिप में जाना है, जिससे कि आप किसी औरत के ऊपर बोझ ना बन पाओ। इस सोसाइटी में ना मतलब एज मैन एक ना स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा भी नहीं बहुत अच्छी चीज़ भी होती है, कि हम लोगों को ना एक तरीके से एक बेन भी है, मतलब बून भी है और एक कर्स भी है। लोग बोलते हैं कि मेन को अपने इमोशंस दबा के रखने चाहिए, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो एंड एवरीथिंग, तो आप ना सीरियस सिचुएशन में जब एंगजाइटी होती है तो फिर आप सीख लेते हो अपने आप को काम कैसे रखना है। बट जैसे रिलेशनशिप्स होती हैं इन सब में, अब मर्दों को पता ही नहीं है भाई कि अपने इमोशंस कहाँ पे रखने होते हैं कहाँ पे नहीं रखने होते, जैसे मैं, मेरे को नहीं पता भाई कब रखने होते हैं, मैं तो खुला रख देता हूँ भाई दूसरे दिन, बट इट इज़ बेटर कि आप कम्युनिकेट कर दो, इतनी जल्दी नहीं मेरी तरह, बट आप कर दो कम्युनिकेट। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। हाउ नॉट टू बी सोशली ऑकवर्ड विद गर्ल्स? भाई पहली चीज़ तो अगर आपको लग रहा है आप सोशली ऑकवर्ड हो, तो आप लोगों ने ना मतलब पहले दिमाग में कुछ सोच रखा है कि औरतों से बात ऐसी ही हो सकती है, आपको औरतों से ऐसे बात करनी है जैसे इंडियन स्टाइल टॉयलेट होता भाई ट्रेन में, आप खोलो बयान जो हम तो ऐसे ही हैं, वेस्टर्न वाला वो रहा भाई जा देख ले, और बयान जो कूड़ा करकट, पर भाई वेस्टर्न है भाई, वो कूड़ा लगा हुआ भाई हर जगह, पान लगा हुआ भाई, पॉटी लगी हुई है भाई, अबे भाई कोई जहाँ पे भैंचो बैठते हैं वहां पे कैसे हगा लग सकता है भाई, तू वेस्टर्न स्टाइल में भैंचो इंडियन स्टाइल की तरह हग रहा था। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई नीले बाल वाली लड़कियों को कैसे डील करें? मेरे कॉलेज में बहुत सारी हैं, और यहाँ ऑफेंस नहीं और ऑफेंसिव नहीं बोल सकते कुछ जेन्युइन। भाई सही में बताओ ना, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, अगर आपको किसी ब्लू हेयर लड़की जिसको आपको देख के लगता है हाँ भाई ये तो लिबरल आर्ट्स पढ़ रही है, तो अगर आपको उससे बात करनी है तो आप फॉलो करिए ये 3P रूल। 3P रूल क्या होता है? पब्लिक होगा, प्लेजर होगा, और होगा पॉलिटिक्स, ठीक है? अगर दो हैं तो एक नहीं होगा, ये रूल है, ठीक है? दो हैं तो एक नहीं होगा,
सपोज करो कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है और आपको मौज लेनी है, तो वो पब्लिकली नहीं कर सकते आप, ठीक है। पर अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है और मौज नहीं करनी, तो वो आप पब्लिक कर सकते हो। पर अगर आपको पब्लिक में करना है और आपको मौज लेनी है, तो आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इस अप्रोच से औरतों से बात करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि उनको ऑफेंसिव लगता है, एक पूरा एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है ऑलरेडी सोसाइटी में कि कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं अब और कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई लड़कियों को लड़कों की तरह कैसे ना देखे, क्या बोलूं भाई मैं, अब मत देख, दे जवाब, जवाब दे मुझे। मुझे औरतों को देख के लड़कों जैसा फील होता है क्या? अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। इज शी हर गर्ल्स वर्थ अप्रोचिंग? हाँ भाई, क्यों नहीं भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल ओपिनियन। आप किसी औरत के बारे में ऐसा थोड़ी बोल सकते कि भाई वो तो वर्थलेस है। नहीं भाई, आपको अगर सही में रिलेशनशिप अच्छी चाहिए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ों पे आप लोग डिसएग्री करते हो। जैसे मैं और मेरी एक्स पॉलिटिक्स के बारे में थे भाई, हम लोगों का था, तो फिर हम लोगों ने ना एक दिन बात कर ली, देख भाई मुझे पता है मैं इसके बारे में ऐसा फील करता हूँ, तुझे पता है तू इसके बारे में ऐसा फील करती है, बट हमें भी पता है कि रिलेशनशिप इस इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है, क्योंकि हम लोग बहनचोद कोई न्यूज़पेपर नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे भी ज़्यादा सेक्स हो सकता है एक एडिटर रूम में। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। गर्लफ्रेंड से किस टॉपिक्स के बारे में बात करें? ब्रो आई एम टेलिंग यू, गर्लफ्रेंड्स दे लव इट व्हेन यू शेयर अबाउट लाइक यू नो योर थिंग्स दैट यू वुडंट हैव शेयर्ड विद एनीवन एल्स। गर्ल्स दे लव इट। उनको जाके ये बता दो कि मैं जब 6 साल का था ना, मेरे पापा के एक दोस्त ने मुझे यहाँ पर टच किया था। और भाई बताऊँ क्या, लड़कों की ना कुछ ज़्यादा ही ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो मतलब होती हैं पचकानी, बट उनके दिमाग में ना वो ऐसी बन गई होती हैं, तो भाई लड़कियों को ना अजीब लगता है बहुत ज़्यादा कि भाई मैं क्या बोलूँ इसको, बहुत होता है भाई। तुम्हारे सामने तुम्हारी बंदी, तुम्हारे को लगता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा भाई बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरी बंदी, भाई नहीं है भाई, तुम कभी उसका ग्रुप चैट देखना भाई, हराम खोर होती हैं भाई औरतें, हराम खोर। कुछ भी होता है ना रिलेशनशिप में, कुछ भी होता है, कुछ भी पता चलता है उस औरत को, तुझे पता है हीरल क्या हुआ है, तुझे पता है इस ये बहने का लोड़ा, इसके मामा ने इसको छुआ था। एक दिन मैंने ना इसको ऐसी झूठ झूठ में बोल दिया था कि मैं ना गेम खेलते हुए उससे बात कर रहा था अपनी एक्स से, तो टक 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 आवाज़ हो रही थी, तो कह रही ये क्या आवाज़ आ रही है, मैं बोला यार वो पंखा चल रहा है ना उसमें थोड़ी दिक्कत है, थी अच्छा मैं खेल रहा हूँ, फिर एकदम से बोलती अर्पित बोला हाँ ठंड नहीं हो रही नवंबर में, ये हर स्टेटमेंट को वैसे ही देखती है कि भाई ये तो झूठ ही बोल रहा है। ये कभी भी ना तुम औरतों को कोई भी चीज़ बोल दो कि ऐसा है, बेंचेस को ऐसे ले लेगी क्यों ये ऐसा, जैसे किसी 6 साल के बच्चे को तुमने कोई चीज़ दिखा दी, ये क्या है और उसके ऊपर क्या है, इसकी मम्मी कहाँ रहती हैं, ये होती हैं भाई औरतें। इसलिए ना मेरे को कुछ शेयर करने का मन नहीं करता इनको आउट ऑफ द ब्लू दिखा के। भाई मैंने एक बार ही बोल दिया फोन पे, मैंने कॉफ़ी बना रहा हूँ कितनी चम्मच चीनी डालते हो, बोला भाई मैं बिना चीनी के बनाता हूँ, अच्छा दूध, बोला भाई बस पानी और वो, अच्छा कड़वी नहीं लगती, बोला नहीं भाई मेरे को बस उसके लिए पीना होता भाई उठने के लिए, अच्छा नॉर्मल कोल्ड कॉफी पसंद नहीं है, आर आर करती थी कि छोड़ दे दूंगा धोखा दूंगा, लेकिन खुद दूसरे का प्रपोजल एक्सेप्ट करके निकल ली एक बार। बताऊं क्या होता है, ये मैंने बहुत देखा, ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेन में भी होता है। जो लोग ज़्यादा रोते हैं ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे तुम मुझे छोड़ दोगे, वो लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में जीते हैं कि भाई ये मेरे को छोड़ देगा, तो फिर जब वो ज़्यादा एंग्जाइटी में जीते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक आता है कि वो मेरे को छोड़े इससे पहले मैं उसको छोड़ दूंगा। तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ इकी, अगर कोई ज़्यादा बंदी मेरे साथ में चेप हो रही होती है फिर ऐसे होती ना, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मैं ये समझ जाता हूँ ये बहन की लोड़ी तो सबसे पहले छोड़ेगी। सेम गोज़ विद मैन, फीमेल्स इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लाइव, अगर तुम्हारा बंदा ये बहुत बोलता है ना मेरे को छोड़ना मत, मेरे को छोड़ना मैम, भाई मेरे को ना अजीब लगता है भाई, मेरे को बहुत अजीब लगता है भाई, अगर मैं मेरा और कोई है नहीं यार, वो बंदा रोज़ की डीएम करता होगा, एक्चुअली आई एम ए
डायरेक्टर, मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। आई लाइक योर प्रोफाइल, आप कुछ फोटोज भेज सकती हैं मुझे? यस यस यस, अलग अलग प्रोफाइल्स चाहिए थे आपके। यस यस यस, आई विल टॉक टू यू इन 2-3 डेज। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। कोई दिक्कत आती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला। मैं कभी भी फर्स्ट मूव नहीं बना पाता भाई औरतों से, बिकॉज नहीं होता मेरे से। आई कांट डू दैट शिट। एक मेरे को ना बड़ा डर सा भी नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ना मेरा, मैं पहले कर लेता था भाई, पहले मैं फर्स्ट मूव कर लेता था, बट अब बताऊँ क्या दिक्कत है। देख रही अर्पित बाला, ये देख बहन चोद, और क्या आता है डीएम्स में, हे, और पहला हे उन्होंने ही लिखा होता है, और ऐसे दिखाती हैं कि भाई मैं। एक अभी रिसेंटली हुआ था भाई, एक लड़की थी, उसने ना मेरे गानों की, मतलब गाने सुनते हुए मेरे को फोटोज भेजी अपनी, मतलब गाने सुन रही है और वो गाना चल रहा है और फोटोज हाथ में सुट्टा है। मैंने भी उस फोटो को फोटो पे रिप्लाई कर दिया कि वेरी नाइस, गुड गोइंग, नाइस टेस्ट, ठीक है। और ऐसे 3-4 बार ही हुआ। देर वॉज नथिंग सेक्सुअल अबाउट दिस शिट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। लोग आ रहे हैं, भाई तू लड़कियों के साथ फोटोज वोटोज क्यों भेज रहा है भाई, क्रीप है क्या तू? मैं भाई भूल, फिर तो मैं तब समझ गया हूँ भाई कि एक पॉइंट के बाद ना तुम अपना सब कुछ ना, वो तुम अपनी ऑटोनॉमी, तुम अपनी अकाउंटेबिलिटी खो देते हो अगर तुम्हारे पे ज्यादा आंखें होती हैं। अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। भाई लड़की का जेंडर कैसे जाने? अरेंज मैरिज करा दो मम्मी। How to hold a conversation with a girl? अब देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो मैं तभी बता सकता हूँ। रैंडम औरतों के साथ मैं कॉन्वर्सेशन नहीं करता, देर नॉट वर्थ इट। फालतू में किसी औरतों से बात बात नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता फालतू की। नहीं भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, इट वॉज वेरी सेक्सिस्ट, आई अपोलोजाइज। मैं औरतों से बात कर नहीं पाता हूँ। मुझसे औरतों से बात होती नहीं है, औरतें मेरे से बात करती नहीं है।